दोस्तों आज इस वीडियो में हम टेस्टिस के बारे में बात करने वाले हैं, यानी जो गोलियां होती हैं पुरुषों में उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं, सर गोली जो है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, एक ऊपर है एक नीचे है तो एक क्या प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसके बनावट के बारे में बात करते हैं, ये गोली का साइज़ क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, और किन बीमारियों में ये गोलियाँ छोटी या बड़ी हो सकती हैं उसके बारे में बात करते हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी गोलियों का खुद से जांच करना, जिससे हमारे जो युवा दोस्त हैं वो टेस्टिकुलर कैंसर या टेस्टिस के ट्यूमर्स को पकड़ सकते हैं खुद ही। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हर पुरुष के अंदर दो गोलियाँ होती हैं और ये गोलियों के साइज़ वेरी करते हैं, बट आमतौर पर जो गोली का साइज़ है वो 10 ml से लेके करीब 20 ml तक होता है, है ना। और अलग अलग पॉपुलेशन में इसका साइज़ अलग अलग होता है, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो 10 से 15 ml का मिनिमम साइज़ हमारी गोलियों का होना चाहिए, और आइडियली ये 12 से 20 ml के बीच में होना चाहिए। तो आमतौर पर जब भी कोई पेशेंट मेरे पास जांच के लिए आता है तो हम इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रेडर्स ऑर्क्योमीटर कहते हैं। इसमें अलग अलग साइज़ की वॉल्यूम की गोलियाँ हैं, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, इस तरह से ऐसे करते करते 25 ml तक का साइज़ का इसमें एक गोलियों का बॉल कंपैरिजन के लिए है। तो जब भी हम पेशेंट की गोली देखते हैं तो इससे कंपेयर करते हैं कि ये करीब करीब कितने ml की होगी। दूसरा साइज़ गोली का देखने का तरीका है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड के जरिए भी हम एग्जैक्ट साइज़ गोलियों का समझ सकते हैं, उनका वॉल्यूम समझ सकते हैं, या फिर स्प्रेडल ऑर्किडोमीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जैसे जैसे तजुर्बा हमारा बढ़ता रहता है आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम रोज़मर्रा के जीवन में रोज़ 20 मरीजों को देख रहे होते हैं, तो एक अंदाज़ा सिर्फ देखने भर से ही छूने भर से लगा लेते हैं कि कितनी बड़ी टेस्टिस होंगी। अब नॉर्मली अगर हम देखें तो टेस्टिस जो हैं वो पेट में बनती हैं पुरुषों के, और ये नीचे नीचे की तरफ जैसे जैसे बेबी हमारा बड़ा हो जाता है, 9-1 महीने का गर्भ में हो जाता है, तो ये टेस्टिस आमतौर पर अपनी गोलियों में, यानी इसको हम अंडकोश कहते हैं, इसको हम स्क्रोटम कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसमें पहुँच जाती हैं। आमतौर पर जो लेफ़्ट साइड की टेस्टिस है वो पहले पहुंचती है और राइट साइड की टेस्टिस जो है वो लेट पहुंचती है। इसलिए ज़्यादातर जो मेल बेबीज़ होते हैं उनमें अगर कोई टेस्टिस ऊपर भी रह जाए तो वो राइट साइड की रहती है, इसलिए हम राइट अनडिसेंडेड टेस्टिस को ज़्यादा कॉमन मानते हैं। इसीलिए अगर आप एक नॉर्मल पुरुष को जब देखते हैं तो आप देखेंगे लेफ़्ट साइड का टेस्टिस आमतौर पर थोड़ा सा नीचे लटका होता है, 1 से 2 cm का भी ये डिफरेंस हो सकता है, लटकन हो सकती है। और जो सर्दियां होती हैं जब तापमान कम होता है तब ये जो हमारा स्क्रोटम है इसके अंदर डार्टोस मसल होती है वो उस टेस्टिस को पेट की तरफ खींच लेती है। ऐसे ही जब आप एक्साइटेड हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी है या आप बहुत टेंशन में है तब भी ये टेस्टिस ऊपर की तरफ बॉडी खींच लेती है क्रिमास्ट्रिक मसल द्वारा, जो कि बेसिकली एक मांसपेशी है हमारे ग्रोइन रीजन में, और डार्टोस मसल के द्वारा जो कि स्क्रोटम की मसल्स हैं। ऐसे ही जब बहुत गर्मी होगी तो भी तापमान को कम रखने के लिए ये जो मसल हैं लूज पड़ सकती हैं और फिर गोलियां लटक सकती हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है कि सर हमारी गोली जो है लेफ्ट साइड की ज़्यादा लटकी हुई है और राइट की कम, तो ऐसा हो सकता है। ऐसे कुछ पुरुषों में राइट की ज़्यादा लेफ्ट की कम भी हो सकती है, और 1 से 2 cm तक का अगर ये डिफरेंस है दोनों गोलियों के अंदर लटकने में तो ये नॉर्मल है। ऐसे ही 10% का साइज़ वॉल्यूम में भी नॉर्मल हो सकता है डिफरेंस, यानी कि एक गोली अगर 9 ml की तो दूसरी 10 ml की हो सकती है। तो 10% का जो फ़र्क है ये बहुत नोटिसेबल नहीं है, फिर भी कुछ पुरुषों को इससे प्रॉब्लम होती है तो हम उनको चेक करते हैं और फिर बताते हैं कि गोलियां कभी भी सेम आकार की नहीं होती, एक छोटी एक बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर ये डिफरेंस 20% से ज़्यादा हो जाता है तो आमतौर पर चिंता का कारण होता है, फिर हमें सोचना पड़ता है कि ये साइज़ कम क्यों हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझें कि गोलियों का जो मेन काम है वो दो काम होते हैं, एक तो होता है कि स्पर्म बनाती हैं गोलियां, और दूसरा है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, है ना। तो टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुषों का हार्मोन है, इस पर एक अलग वीडियो है हमारी, टेस्टोस्टेरोन क्या है, क्या इसका रोल है और इसको कैसे कम ज़्यादा किया जा सकता है। और दूसरा जो उसका काम है स्पर्म बनाने का, वो हम सभी समझते हैं कि अगर आपको अपने फैमिली को आगे वंश को आगे बढ़ाना है तो उस पर हमें स्पर्म की ज़रूरत होती है, जो एग से मिलके जो वाइफ के एग्स हैं उनके साथ मिलके एक एम्ब्रियो बनाते हैं, यानी एक बेबी बनाते हैं। और अगर स्पर्म में कोई प्रॉब्लम हो, इसके नंबर कम हो, काउंट कम हो, जिसको हमने एक और वीडियो में डिस्कस किया है, तो इसमें फिर आगे बेबी होने में या फैमिली को आगे कंप्लीट करने में दिक्कत आ सकती है। तो इन दो चीज़ों की वजह से आपको ये टेस्टिस की इस वीडियो पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये दो ही चीज़ें जो आपको पुरुष बनाती हैं, एक तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और दूसरा जो है आपके स्पर्म बनाने की शक्ति। अब दोस्तों समझते हैं कि क्यों ये टेस्टिस जो है ये हमारे छोटे हो सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे कारण हैं। आमतौर पे जो सबसे कॉमन कारण है
वो ये है, तो या तो गोली घूम जाती है, इसको हम टॉर्जन कहते हैं, यानी कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी के समय या कोई एक्साइटमेंट के समय या कुछ पुल करते समय क्रिमास्टिक मसल जब खींचती है गोली को ऊपर, ऐसे में कभी कभी ये गोली बनावट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से घूम सके और उसकी ब्लड सप्लाई जो है पूरी रुक जाती है और फिर गोली जो है उसमें बहुत तेज दर्द होता है और फिर सूजन आ जाती है, और इसके बारे में हमने टॉर्जन की वीडियो पे अलग से चर्चा की हुई है। इसके बाद जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो अपने आप टेस्टिस धीरे धीरे सिकुड़ जाती है, पूरी खत्म भी हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण जो गोलियों के छोटे होने का है, वो कभी कभी स्टेरॉयड अब्यूज़ होता है, यानी बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो जिम जाते हैं और जिम में इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में, गलत गाइडेंस के अंदर आके बॉडी जल्दी बिल्ड करने के चक्कर में टेस्टोस्टेरोन को अब्यूज़ करते हैं, जहाँ पे फिर बॉडी जो है उसको बाहर के टेस्टोस्टेरोन की आदत पड़ने की वजह से वो खुद से अपना टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देते हैं, यानी फैक्ट्री डाउन हो जाती है और धीरे धीरे करके गोली का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। जेनेटिकली भी गोलियों का साइज गवर्न होता है, यानी कि आपके जो बाप दादा हैं उनकी जैसे गोलियां थी वैसे ही आपकी बनावट होगी, जैसे हाइट जो है वो पेरेंट्स पे जाती है वैसे ही आपकी गोलियों का साइज भी आपके पेरेंट्स के जो जीन्स हैं या जेनेटिक्स के द्वारा आपके गवर्न हो सकता है। ऐसे बहुत बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, कुछ माता जैसे बचपन में हो जाती है, इसमें मम्स है या और कई तरह के वायरल ऑर्काइटिस हैं जिनकी वजह से गोलियों में इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ सूजन आती है और फिर धीरे धीरे गोली सिकुड़ जाती है, तो ये भी एक कॉमन कारण है जिससे गोलियाँ छोटी हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों गोली को छोटे होने का एक और कारण है अनडिसेंडेड टेस्टिस, यानी पूरी तरह से टेस्टिस जब नीचे नहीं आती है और बीच में ही उसके ग्रोथ या डेवलपमेंट कहीं अरेस्ट हो जाती है, तब भी गोलियों का साइज छोटा हो सकता है। बहुत सारे वीडियोस हमारे वेरिकोसील पे हैं, वेरिकोसील जो है वो एक वेन्स का डिफेक्ट है, वहाँ से टॉक्सिन्स जब नहीं निकल पाते गोलियों से तब भी टॉक्सिन्स वहाँ एक्यूमुलेट होने की वजह से गोलियों के साइज में फर्क आता है और ये एक रीज़न होता है जो हम वेरिकोसील का ऑपरेशन करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ट्यूमर्स कैंसर्स के ट्रीटमेंट्स में भी कुछ दवाएं चलती हैं जिनसे गोलियों के साइज पर फर्क आ सकता है, कभी कभी चोट लगने से भी गोलियों पर फर्क आ सकता है, और अगर कोई लंबा इन्फेक्शन हो जैसे एपिडर्माइटिस है तो ऐसे कंडीशन में भी गोलियों के ऊपर इन्फेक्शन होने के बाद सिकुड़न आ सकती है। तो दोस्तों ये तो साइजेस कम होने के कारण है, अब हम बात करते हैं साइज बड़ा जब गोली का हो तो क्या सोच सकते हैं। आमतौर पे हाइड्रोसील एक बहुत ही कॉमन कारण है, जब गोलियों में कोई सूजन आती है तो भी गोलियों का साइज बढ़ सकता है, इसको हम ऑर्काइटिस कहते हैं, और ऐसे ऑर्काइटिस या एपिडर्माइटिस में भी पानी छूटने की वजह से गोलियों के आसपास जो एक सैक होता है उसमें पानी भर जाने से भी अंडकोश का साइज बड़ा दिख सकता है। कोई टेस्टिस में अगर ट्यूमर हो, गांठ हो, तब भी टेस्टिस का साइज बड़ा हो सकता है, तो इसलिए साइज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही साइज के बढ़ोतरी के कारण होते हैं सिस्ट, यानी कि कभी कभी स्पर्मेटोसील हो सकता है या फिर कोई बड़े एपिडर्मल सिस्ट हो सकते हैं जिनकी वजह से गोलियों का साइज बड़ा लग सकता है। टीबी के इन्फेक्शन में भी गोलियों का साइज बढ़ सकता है, और बहुत सारी ऐसी स्वेलिंग्स हैं जो हमारे होती तो हमारे जांघों में या हमारे ग्रोइन रीजन में है लेकिन वो कभी कभी गोलियों तक पहुंच जाती है, जैसे कि हर्निया की प्रॉब्लम हो गई, तो इस तरह के रीजंस की वजह से भी गोलियों का साइज है वो बड़ा दिख सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात के बारे में जो है टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो गोलियां हैं वो हमारा ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन करती हैं, स्पर्म बनाती हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, हमें पूरा पुरुष बनाती हैं। तो जैसे ही लेडीज अपने स्तनों के लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं ब्रेस्ट कैंसर से लड़ने के लिए, वैसे ही पुरुषों के लिए जो रिक्वेस्ट की गई है, जो बताया गया है, वो ये है कि उनको टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, यानी अपनी गोलियों को बराबर चेक करना चाहिए। तो नहाते समय जैसे अगर आपको जब आप वहाँ साबुन लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो अपनी गोलियों को खुद से महसूस करें, दो फिंगर्स को पीछे की तरफ रख के और एक थंब से आगे रख के, उसमें कोई गांठें तो नहीं है, कोई लंब तो नहीं है, उनका कुछ आपको सॉफ्टनेस कम या ज़्यादा तो नहीं लग रही है, इस तरह की चीज़ों को रेगुलर चेक करते रहें। और अगर आपको ऐसे कोई गांठ है या कोई और चीज़ महसूस होती है तो आप एक एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि अगर कोई भी ऐसी चीज़ पनप रही हो जो कि 25 ईयर से लेके 35 या 40 ईयर्स के आसपास ये बहुत कॉमन है टेस्टिकुलर कैंसर, तो इसको हम पकड़ सकते हैं और टाइमली इसका एक्शन ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे गोलियों के बारे में, गोलियों के साइज़ के बारे में, ये छोटा बड़ा होना, अंदर बाहर जाना, ये सब क्या नॉर्मल है, क्या अब नॉर्मल है, कब गोलियों का साइज़ बढ़ता है, कब कम होता है, और कैसे आपको इसको खुद से एग्जामिन करना है हफ्ते में एक या दो बार नहाते समय, ताकि आप गोलियों की किसी भी प्रॉब्लम से दूर रह सकें।